नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइन्स काळ हेला कोड़ी ओलटिला यात्रीबाई बस दुर्घटना रे जणे मृत पांच गुरुतर बस रे थिले 20 रु 30 यात्री आतंक रायगडा जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर नरसिंहपुर रु जयपुर जाउथिला बस पुणी खाकीर जुलम साधा कागज रे दस्तखत न करिवार सुशील को पुलिस रो जुलम घर उठाई गांदांड रे निस्तुक माड़ गुरुतर अवस्था रे संबलपुर सदर हॉस्पिटल रे भर्ती राजनगर ब्लॉक झाड़कटा ग्राम रे भयावह अग्निकांड नियारे जळीकला चारोटी गाई गोटिए बाछुड़ी सूचना पाई निया को आयत्त कला दमकल बाहिनी राज्य में विकास तलमुहा गरीबों मौलिक आवश्यकता देवे राज्य सरकार विफल पानी जल जगे सबुठ पछरे ओडिशा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट मिला संगीन तथ्य केन्द्र सरकार को बन्या सहायता घोषणा ओडिशा सहित पांचटी राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ओडिशा को मिला 320.94 कोटी पांचटी राज्य पर 1751 कोटी अधिक टंकार सहायता राशि गिरफ हेले सुभाषकीय मालिक सुभाष मल्लिक को गिरफ कला कमिशनरेट पुलिस कटक रे नकली घी को नहीं बारंबार चढ़ऊ करुथिला कमिशनरेट पुलिस दिल्ली में इस्राएल दूतावास निकट में विस्फोरण विस्फोरण में कई आहत होइ नथिबा सूचना उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य गुड़िक सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कलिजुग स्वामीर कला कानमा कला बहु कही स्त्री को घर तड़ीला स्वामी पुलिस ठू महिला कमिशन सबुठ नेहुरा पर भी निराश पूरी काकटपुर देखा रिपोर्ट एवं बाणी विहार गेस्ट हाउस सीसीटीवी फुटेज रु खोलुछि झराफुल मृत्यु रहस्य राकेश राति बिताई रमादेवी छात्री अभियुक्त को कोर्ट फरवर्ड कला पुलिस सेपटे न्याय दाबी कले रमादेवी छात्री घन कोड़ी जोगू घरोई यात्रीबाई बस दुर्घटनाग्रस्त होइछि तबे एथिरे जणकर मृत्यु होता बेले पांच जन गुरुतर होती रायगढ़ जिला विषम कटक थाना अंतर्गत बेथियापड़ा छक निकट में घटी दुर्घटना गुरुतर को रायगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर कर बस टी नरसिंहपुर थारु जयपुर भाया सिमिलीगुड़ा जाउथवा समय यह दुर्घटना घटी दुर्घटनास्थल ड्राइवर फेरार थिबा बेले विषम कटक पुलिस पहुंची गुरुतर को उद्धार कर पुणी खाकीर जुलम बुला थाना टीहिकीपाली ग्रामर सुशील भोई को बुला थानार पुलिस कर्मचारी निस्तुक माड़ मारी अभियोग शुक्रवार दिन गांवर बसु अर्जुन और किसी पुलिस कर्मचारी सुशील घर को आसी एक साधा कागज दस्तखत करने सुशील को कही सुशील दस्तखत पर मना करदेव घर उठाई गाँ दाण में गोड़ हाथ अंटारे अमानसिक भाव निस्तुक माड़ मारी अभियोग करते गुरुतर अवस्था संबलपुर सदर हॉस्पिटल चिकित्सा पर भर्ती कर रात 4 बजे आसिले मराबा को पिटामरा कह पुलिस पुलिस मैंने आसिक बुलार पुलिस मैंने आसिक पिटामरा कह घर सब शु पड़ी ये बसु डाक आनी से क्या कर टेकी पाल ग्राम रखी थाना 4 बजे रात 4 बजे आस पिटामरा 10-12 लोक थे मुझे लुकी सब घटना जमीन हिसाब आए गला राति 4 बजे बसु अर्जुन और पुलिस और मत नंगला बुतला घर घीतेल पीटतेल ने मजा गाँव खोल के पुलिस बोला से जमीन हिसाब से पीटले खाली पूरे कहीं जेन आसिक हटा कल मोट जमीन करूती कटक नकली घी को नहीं कमिशनरेट पुलिस बड़ कार्यानुष्ठान सुभाषकीय मालिक सुभाष मल्लिक को गिरफ कर पुलिस जगतपुर पुलिस सुभाष मल्लिक को गिरफ कर जमापड़े कटक नकली सामग्री व्यवसाय को नहीं अनेक दिन धरी विभिन्न कारखाना उपरे चढ़ऊ करुथला पुलिस
दिल्ली स्थित इस्राएल दूतावास निकट में विस्फोरण घटना विस्फोरण में कहीं आहत होइन थिबा सूचना मिलता बेले आखपाखे गाड़ीगुड़िक क्षतिग्रस्त होता जमापड़ इस्राएल तरफ यह आतंकवादी आक्रमण अभिहित कर घटनार दोषी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण हो भारत पक्ष विस्फोरण पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और अन्य राज्यगुड़िक सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर सेबड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्राएल विदेश मंत्री कथा होती घटना को गुरुतर सह नि दूतावास एठार कर्मचारी सुरक्षा आश्वासना देते राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल इस्राएल निजर समकक्ष कथा होती पूरा घटना संपर्क में इस्राएल को अवगत कर राजधानी नुआदिल्ली स्थित इस्राएल दूतावास निकटे औरंगजेब रोड में गतकाल विस्फोरण पर गृहमंत्री अमित शाह निजर पश्चिमबंग गस्त बातिल करिछन्ति पश्चिमबंग रे गृहमंत्री को आज और रविवार दुईट राली रे संबोधन करिबार थिला तबे विस्फोरण को नहीं से क्रमगत भाव वरिष्ठ अधिकारी संस्पर्शे अच्छा चलित बर्ष पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी शाह जनवरी 30 रे दुदिनिया गस्तरे पश्चिमबंग जिबार थिला तबे शनिवार सकाळु शाह इस्कर मायपुर रे बंचिबार थिला एहा परे उत्तर 24 प्रगणार ठाकुर नगर रे एक जनसभा को संबोधित करिबार थिला एहा परे से बीजेपी रो सामाजिक गणमाध्यम सहित बैठक रे जोग देबार कार्यक्रम रही थिला मयूरभंज जिलार झराफुलर मृत्यु को नहीं शुक्रवार जिलार अग्रणी युव छात्र संगठन भंजसेना पक्षर एक विशाल कैंडल मार्च शोभायात्रा करा जायछि बारिपदा सहर अंबिका मंदिर निकट शोभायात्रा बाहरी जगन्नाथ मंदिर पर्यंत आसी नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण ना राज्य सरकार डिंडिम पिटुवा बेले नारी एवं असुरक्षित हो पड़ते तेणु सरकार शीघ्र निजर व्यवस्थागत त्रुटि को सुधारे भंजसेना दावी कर राज्य में तलमुहा विकास गरीबों को मौलिक आवश्यकता जोगाई देवारे विफल राज्य सरकार अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट मिला संगीन तथ्य सानिटेशन इंडेक्स रे मध्य राज्य सबुठ तले राज्य में ग्रामांचल हो कि सहरांचल सबुठ देखा मिली अभाव छिटा राज्य में तलमुहा विकास गरीबों को मौलिक आवश्यकता जोगाई देवारे विफल राज्य सरकार अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रु मिला संगीन तथ्य पीवा पानी परिमल घर जोगेबारे फेल मारी राज्य सरकार एक तालिका रे ओडिशा सह झारखंड पश्चिमबंग एवं त्रिपुरा मध्य रही लोक को पानी जल जोगेबारे राज्य सरकार देश में सबुठारु पछरे रही सानिटेशन इंडेक्स रे मध्य राज्य सबुठ तले राज्य रे ग्रामांचल हेउ कि सहरांचल सबुठ देखा मिली अभाव छिटा केवल मौलिक आवश्यकता नुहे रोजगार को नहीं मध्य रही विशाल तारतम्य दारिद्र्य दूरीकरण सह पानीय जलर आवश्यकता परिमल एवं हाउसिंग पाई केंद्र और राज्य में अनेक योजना रही किंतु राज्य में यार सठिक कार्यानुषान अभाव गरीबों निकट में पहुंची पारुनी योजना आवास योजन बास्तव हिताधिकारी वंचित होती शासक दल एकचाटिया निष्पत्ति जो धनी गरीबों मध्य बढ़ुची राजनीति भर कर भांगी दौन का भत्ता टी पाइन तीस वर्ष छुआ भत्ता पाँच विडो कह दस हजार सात हजार देने घर दबु किए भागुच सरपंच मान कहीं पा दौना कहीं पा दौना आमको कहते टा तीन हजार पाँच डिपोट कर तुमको पा दबु आमे पंचायत रण यह नियम बोझा साइज कहीं पाईना जी जहाँ हाथ में कहीं चरुस कहीं नाइना खरी पुतुरा निजे कहते कि मिलन तुम साई के सरपंच कहते कि देवीन आम कौन करूँ कहीं वार्ड मेम्बर हे कि आड़ खाइबे क्या देशु आम दरखास्त नहीं जाइल सब कलेक्टर पाखु सब कलेक्टर कहे माँ तुम कोटी कोटी टाँग अच्छे पंचायत को तुम विडीओं पाखक जाओ विडीओं पाखक भी गलु विडीओ सरपंच को आमको फोन कले कहे तुम कि पाइना आसी आम बांटिकीद स्थायी विकास लक्ष्य केन्द्र सरकार करनरेगा पीएम आवास भाई योजना राज्य में बाट मरणा हो गरीबटीए यही सुविधा वंचित हो सबुर दायित्व स्थानीय राज्य सरकार थिले फेल मारी ओडिशा 2012 तुलन 2018
स्थिति संगीन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। केन्द्र सरकार को बन्या सहायता घोषणा। ओडिशा सहित पांचटी राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदन करिछंती केन्द्र सरकार। एथरो ओडिशा को मिलिछि 320.94 कोटी, पांचटी राज्य पाई 1751.05 कोटी टंकार सहायता राशि घोषणा करिछंती केन्द्र सरकार। केन्द्र सरकारंकर बन्या सहायता राशि घोषणा। ओडिशा को मिलला 320 कोटी टंका। ओडिशा समेत देशर 5 राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि अनुमोदन करछंती केन्द्र सरकार। जातीय विपर्यय मुकाबला पांठी अधीन रे एही सहायता राशि अनुमोदन करा जायछि। केन्द्र सरकार शुक्रवार 5टी राज्य पई 1751.05 कोटी टंकार सहायता राशि घोषणा करछंती। एथिरे ओडिशा को 320 कोटी टंका दिया जायछि। अन्य राज्य गुड़िक हैला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। 2020 दक्षिण पश्चिम मौसुमी वर्षार उपजिता प्राकृतिक विपर्यय बन्या और भूस्खलन क्षतिग्रस्त होता राज्य पर केन्द्र सरकार सहायता राशि घोषणा करछंती। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह अध्यक्षतार उच्चस्तरीय कमिटी जातीय विपर्यय मुकाबला पांठि 5टी राज्य सहायता राशि घोषणा करछंती। आसाम पर सर्वाधिक 437.15 कोटी टंका मंजूर होता बेले अरुणाचल प्रदेश पर 75.86 कोटी टंका, सेहीपरी ओडिशा पर 320.94 कोटी टंका मंजूर होता बेले तेलंगाना पर 245.96 कोटी टंका मंजूर करा जाई छी। सेहीपरी उत्तर प्रदेश पर 386.06 कोटी टंका मंजूर करिछंती केन्द्र सरकार। ए अवसर में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह कहिछंती जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन केन्द्र सरकार प्राकृतिक विपर्यय मुकाबला करथिबा ओडिशा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भाई और भौणी को साहाय्य करिबार संकल्प नेइछंती। सेपटे एनडीआरएफ सहायता को नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देइछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एथसहित केन्द्रमंत्री कहिछंती आर्थिक सहायता ओडिशा को प्राकृतिक विपर्यय मुकाबला करिबारे सहायक हेबो। बन्या हेउ किंबा बात्या हेउ प्रधानमंत्री मोदी सबुबेले ओडिशावासी दुख समय रे ठिया होइछंती एवं समस्त विकासमूलक कार्य रे सर्वोपरि ओडिशा को प्राथमिकता देइ आसुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कलेजुको स्वामीर कोळा कारनामा। कोळा बोली कहि तडी देला स्वामी। पुलिस थारु महिला कमिशन सबुठी नेउरा होइ निराश। देखंतु पुरी काकोटपुरु ए रिपोर्ट। स्त्री कोळा बोली भांगी गला संसार। विवाहर 2 वर्ष परे स्त्री को छाड़ी फेरार स्वामी। कोनी झियो को धरी सासुघर आगरे धारणा। घरे पुराई देउनांति ससुर गाली करी तड़ी दिउछंति। सासु भी गाली करछंति। एभली अमानुषिक घटना घटी पुरी जिला काकटपुर थाना बड़कण गाँव शुणतु कौन कहते महिला। तू कया तो झी कया आम चाहूल पुओ दा हाब बोली संपत्ति लोभ से बाहर करते मो झी को भी सरकार धरीएनि कह कया झी मुझे नब को दांदु को भी मत असना लगुच खराब लगुच मो झी को भी धरीन। 2018 गोप थाना ओटर शासन कार सस्मिता महांती काकटपुर थाना अंतर्गत बड़कण गाँव गणेश दलई को विवाह करथिले। सेमानकर गोटी झियो मध्य अछि। बाहाघर 2 वर्ष परे सस्मिता काली बोली कहि स्वामी गणेश और सासुघर लोके घर तड़ी देथिले। प्रथमरो विवाह पई अनिच्छा प्रकाश करथिले भी लोकलज्या भयरे विवाह करथिले। सस्मिता तो कोळा थिले झियो भी कोळा जन्म हेबारु सस्मिता को उपरे पड़िथिला निर्यातना। काकटपुर थाना रे एतला दिछन्ति सस्मिता। महिला कमिशनर को निकटरे मध्य अभियोग करिछन्ति सस्मिता। जेते गल्लू आमे जिनस आने रिकवरी करने से किए फोन कर जनईनी थे जेहेतु मो शशुर मो स्वामी घर नुची थे मो सामान भी सब ग्याप कर दे थे मो सुना जिनस मो कंसा बासन मो ट्रंक भी किसी सामान ना मो गदे भी किसी सामान ना खाली। हाँ मुंकाशा जाइले लेंकाशा कहले कहले जहाँ जमती भी आसनी से सब आम रिकवरी करूँ नापर आम केस करूँ कि ज्वाइर फास्ट रु ही मानने कला झील प्रति पसंद नाला आशा थी कौन जेहेतु मोर भाई ना कि मोर पुओ ना आम संपत्ति लोभ थी कारण दीटा पुओ हेले आम गादी में गोटे रखिए घरे गोटे रखिए यही दृष्टि से धन लोभ सहित मानने संपत्ति लोभ से बाहर कर पुओ को शिखे कोळा बोली कळे करी तड़ी देला स्वामी।
ଏବେ ପୁଣି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ନା ପୋଲିସ ଦେଉଛି ନାହିଁ, ନା ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ। ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ପୁଣି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନା ନେଉନି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡେର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ଗାଁରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଗାଁକୁ ପଶି ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନେ ଶୁଣ୍ଢରେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ଲଜା ଶାଳୀକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣେଇର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣେଇ ପ୍ରମୋଦ ଜାନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣେଇ ଗତ 7 ମାସ ଧରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଣେଇ ଜଣକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ କେନା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ମା ଓ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବସୋଲେଇ ଗ୍ରାମର କଳାବତୀ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁନା ନାୟକ। ଉଭୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମା ଓ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବୋଲେରୋଟି କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ମୁର୍ମୁ ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକାରେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନ ଜାଣି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସହ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ଆଇନ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ଆଇନକୁ କୋହଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ଘଟଣାରେ ମରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ମରିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 90% ଭାଇ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କଲେ 90% କେବଳ ମଦ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ମଦ ଖାଇକି ମରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯେ କରୋନାର 60 ଦିନ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଜଣେ କେହି ବିନା ମଦ ନ ପିଇକିରି ମରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଦର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ସରକାର ନିଜେ କହିବେ? ମଦ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ନା ସରକାରଙ୍କର ଦରକାର ସେଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ। କିନ୍ତୁ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସରକାର ମଦ ବିକିବେ ଆଠୁ ଲଜ୍ଜା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସହ ଭାରତ ମଦମୁକ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେମିତି ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଠି କାମ, ତା ସହିତ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସରକାର କେମିତି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯେଉଁ ମାଆର ପୁଅଟି ଚାଲିଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାର ଭରଣା କଦାପି ସରକାର କରିପାରିବେନି। ମଦ ବିକିବା ନାଁରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ କେମିତି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁ।
କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ମଶାଳାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବହୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଓପନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଓଏସ୍ଏମ୍ଇ ହେଉ, ITI ବଡ଼ବିଲ୍, ITI ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର DMF ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି MOU ୱିଥ୍ ସିପେଟ୍, CTTC, IHM, SIHM, ତ ଆମର ପାଖାପାଖି 2000 ପ୍ଲସ୍ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିଲିଂ କରିକି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କିଲିଂ ଆମ ତରଫ ସବୁ କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲି ଆମେ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ କରାଇକି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କିଲିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବୁ। ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦାବିରୁ ଓହରି ପୁଣି ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ବିଜେଡି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ରଣନୀତି କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ପୂର୍ବଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ହମନେ ଅନେକ ନୟ କଦମ ଉଠାଏ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡୋର ହୋ, ପୂର୍ବ ମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସେ ଯୋଡ଼ନେ କି ବାତ ହୋ, ନୟ ରୋଡ ରେଲ କା ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖଡ଼ା କରନା ହୋ, ବହାଁ ନୟ ପୋର୍ଟ ବନାନେ ହୋ, ୟାନି ଏକ ପ୍ରକାର ସେ पूरा डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका होना चाहिए बड़ा होलिस्टिक तरीके से विकसित हम कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र भी विकास के दिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पदोटी कथा ही प्रमाणित करिछि केंद्र रो फोकस रे रहिछि ओडिसा। केंद्र सरकार को प्रत्येकटी योजना रे राज्य को मिलुछि प्राधान्यता। एहारे भितरे प्राय 7000 कोटी टंका रो ओडिसा इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनुमोदन देई पुणि थरे ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେବ NH-16। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦର ଗାଁ ପାରାଦୀପଠୁ ନେଇ ଧାମରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ମହାନଦୀ ଭଳି ଜାଗା ବିକଶିତ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯିବ। ତେବେ କିଭଳି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଧାମରା ଠୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ମହାନଦୀ ରିଭରାଇନ୍ ପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ କରିଡ଼ର ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପାୟନର ଅଞ୍ଚଳ ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଜେନ୍ସି ଲାଗିକି ଏଟାକୁ କେମିତିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଦିଆହେଇଯିବ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର। ସେ ଫନି କି ଅମ୍ଫାନ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କିମ୍ବା କରୋନା ମହାମାରୀ, ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 22,267 କୋଟିର ସହାୟତା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଫନିରେ ମିଳିଥିଲା 4,678.22 କୋଟି, କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ 5,933 କୋଟି, DMFA 7,857 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏହି କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21% ଅର୍ଥାତ୍ 1,672 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। 2019-20ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିକସରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ 30,453 କୋଟି ଥିବାବେଳେ 2020-21ରେ 36,299 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 19% ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାକୁ 2,258 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସହରାଞ୍ଚଳକୁ 1,087 କୋଟି ଟଙ୍କା, SDRMFରୁ ଗତବର୍ଷ 2,139 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ଉପର 10 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 4,232 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର 6 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 29,112 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजन 14,796 कोटी ऊर्ध टंका आसी एपरी स्थले किंतु आसुथिबा अर्थ को सठिक दिगरे खर्च नकरी केन्द्र विरोधी नारा को लोकों भितर बंचाय रखा स्वतंत्र पाह्या बदल फोकस स्टेट्र नारा को दोहराई चली बिजेडी तेज यह बीजेपी कहवा कथा निज अपारगता लुचाइबा को शासक दल निकट केन्द्र छड़ा आउ किछि प्रसंग नाही आमे देखि आछु जो प्रकार भाव रे ओडिसा राज्य अनेक समय रे आपण को दैव दुर्विता पात्र शिकार होई थाए सेथिरे आमे बारंबार कहि आछु कि आपण स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ओडिसा राज्य को दियंतु आज पर्यंत से दिया जाय नाही आउ स्पेशल पैकेज मध्ये ओडिसा को दिया जाओ सेटा मध्ये आज पर्यंत केन्द्र सरकार देई नाहंती सो आमर डिमांड पार्लियामेंट रे रहिवो कि ए जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाई आमे जोरदार प्रयास करिवा पूर्वांचल रो विकास रो जो नरेंद्र मोदी को स्लोगन थिला ताकु वास्तव चित्र करिवा पाई एबे इकोनॉमिक कॉरिडोर ए जोन को मध्य केंद्र सरकार अनुमोदन कले मु धन्यवाद देबी केंद्र सरकार को एहा द्वारा ओडिसा रो सामग्रिक विकास रे नरेंद्र मोदी को सरकार रो गुडे प्रमुख भूमिका रहूची ओडिशा सरकार मध्य नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र सरकार को धन्यवाद देवा कथा केंद्र सरकार को साबासी देवार कथा केंद्र सरकार रो 6 वर्ष भीतर जो योजना जो टंका राज्य पहुंची से ओडिशा को आसुथिबा अनुदान ठीक समय खर्च होई पर नथिबा बेले शासक दल केतेबेले स्पेशल कैटेगरी तो पुणी केतेबेले फोकस स्टेट रो दाबी करूची तेबे शासक दल रो फोकस स्टेट दाबी केवल राजनीतिक फायदा पई नहेत भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज तबे समय सरी छी बुलेटिन को इट रखा नमस्कार।